न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आज सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीना जी हमारे साथ हैं। 2010 बैच के आईपीएस हैं और अपनी कार्यकुशलता के बारे में अच्छी तरीके से सुल्तानपुर की आम जनमानस के बीच में अपनी एक घुसपैठ बना रखी है, जो कि चाहे न्याय प्रकरण हो, चाहे यहाँ का कोविड-19 का मामला रहा हो, बखूबी निपटाते चले आए हैं। आज मेरे साथ हैं, मैं इनसे इन्हीं के साथ कुछ बात करना चाहूँगा। सर, आप जनवरी में सुल्तानपुर आए और जनवरी से लेकर आज तक काफ़ी ऐसा चैलेंजन रहे, कोविड-19 रहा है, त्यौहार रहे, दुर्गा पूजा, दशहरा रहा, दीपावली है, आगे भैया दूज, छठ है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? आपको बता दें कि जनवरी में हमने सुल्तानपुर ज्वाइन किया था तो उसके उपरांत जो क्राइम फ्रंट था उसको चेक किया गया, जो अपराधी थे उनको उठा उठा के जेल भेजा गया। साथ ही साथ पुलिस मित्र की संकल्पना के तहत हमारे द्वारा विभिन्न थानों पर महिला हेल्प डेस्क को बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया गया। उसके उपरांत कोविड-19 का जो संकट है वो आया, उस संकट के दौरान सुल्तानपुर पुलिस ने पुलिस मित्र की संकल्पना को साकारित किया। मतलब आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जिनके माध्यम से आप इस चीज़ को इंश्योर कर पाएंगे कि सुल्तानपुर की जो जनता है वो पुलिस मित्र के कंसेप्ट को समझ रही है। कोई इस दौरान बीमार था तो उसको दवाइयाँ पहुँचाई गई, किसी के बच्चे को दूध की ज़रूरत थी और दूध पहुँचाई गई, तो इस तरह की चीज़ों के माध्यम से सुल्तानपुर पुलिस ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जनता की सेवा करी है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से त्यौहार है, दीपावली है, आगे छठ है, भैया दूज है, इस मामले में सुरक्षा की दृष्टि से कितना आप निश्चिंत हैं कि सकुशल त्यौहार को संपन्न कराएं? नहीं, निश्चित रूप से हम त्यौहारों को सकुशल अभी तक संपन्न करवाते भी आए हैं, आगे भी संपन्न करवाएंगे। पूरे जनपद के 42 बॉर्डर लगभग चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 8 बॉर्डर महत्वपूर्ण हैं, उन पर 24 आवर्स पिकेट लगी हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी पिकेट मोबाइल गश्त निरंतर भ्रमणशील हैं, लोगों के साथ में मीटिंग करी गई है, पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग जो त्यौहार हैं उनको सकुशल रूप से संपन्न करवाएँ। सुल्तानपुर में जब से आप जनवरी में आए हैं और जनवरी से लेकर के आज तक लगातार कई ऐसे खुलासे भी हुए जिसमें छिनैती भी है, तो इन सब चीज़ों में आप कैसे, किस आधार से कैसे? आपको बता दें कि निश्चित रूप से क्राइम तो सुल्तानपुर में पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है। जैसे लूट हम ले लें तो पिछले साल 25 थी, उसके पहले 43 थी, इस वर्ष मात्र 9 लूटें हुई हैं। हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हैं वो भी निश्चित रूप से कम हुए हैं। हमारे द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर अपराधियों के विरुद्ध ऑपरेशन इंद्रधनुष चलाया गया है, उसके तहत जो भी जिस तरह के अपराधी थे उन सब के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस के साथ साथ अन्य कार्रवाइयां सुल्तानपुर पुलिस ने करी है। आपको एक चीज़ और अवगत कराना चाहेंगे कि इंडिया टुडे के एक सर्वे में सुल्तानपुर जनपद की जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी वो सबसे बेहतर इंडिया टुडे ने अपने एक अंक में हमें प्रकाशित भी किया था, तो निश्चित रूप से सुल्तानपुर पुलिस के लिए और सारे जनपदवासियों के लिए कहीं ना कहीं सुखद संकेत। जी, मैं बिल्कुल 2010 में आपने आईपीएस में सेलेक्ट हुई है, उसके बाद पारिवारिक जानकारी थोड़ा सा चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन है, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या है? हम बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं और कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का जो है उसमें हमारा जन्म और एजुकेशन हुई है। फादर सर्विस में थे और उनके निश्चित रूप से मार्गदर्शन और प्रेरणा और साथ ही साथ बड़े भैया हमारे आदर्श व्यक्ति हमारे लिए रहे हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस सेवा में हूँ। उनके द्वारा निश्चित रूप से हमें इस सेवा के लिए प्रेरित किया गया, आज इस सफलता के सोपान पर हम हैं, तो अपने परिवार की वजह से, अपने यार दोस्तों की वजह से, कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। तो ये थे पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, जो कि अपनी कार्यकुशलता के बारे में जाने जाते हैं, जो कि आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया को अपनी बातों से अवगत कराए और बेबाकी से अवगत कराए। मैं इसके लिए दीपावली के साथ साथ आपको धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू देता हूँ।